नमस्कार पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज़। इस वक्त हमारे साथ हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित राज जी, जो हमेशा हित की बात करते, समाज की बात करते। सर, क्या कुछ रहा आज जो आज यहाँ कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी हमारे शिल्पकार भाइयों के लिए? आज 5 राज्यों से दस्तकार आए हैं, शिल्पकार आए हैं, बढ़ई है, कारपेंटर है, ब्रास के काम पर में, प्लास का काम, पीतल के काम करने, तो इन आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं। और आज पहली बैठक हुई है, रईस इदरीस जी अभी तक इसको आगे बढ़ा रहे थे, रईस इदरीस जी यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनसे भी जानकारी ली जा सकती है, लेना भी चाहिए। और अब इस संगठन को विस्तारित करके फिर आंदोलन करेंगे, आयोग का गठन कराएंगे, इनको वित्तीय सहायता मिलना चाहिए, लोन मिलना चाहिए, इनके वस्तुओं का सही मूल्य मिलना चाहिए, यही हमारी मांग है। सर, जिस तरीके से शिल्पकार भाइयों के लिए आपने सोचा, कभी किसी और पार्टी से होते हुए नेताओं ने नहीं सोचा, क्या कुछ मतलब आप सोचते हैं इन लोगों के लिए? सोचना चाहिए था देर से ही, सही अब सोचा गया है। मैं तो कहता हूँ इनके ऊपर निर्भर करता है। जहाँ तक मेरे नेतृत्व की बात है, राहुल जी के नेतृत्व, कांग्रेस के नेतृत्व की बात, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। यही बात आज इससे कहा कि आप मुस्तैदी से डटे रहिए, ये काम जरूर होगा। सर, जिस तरीके से केंद्र सरकार है लगातार विपक्ष को घेरती रहती है, बोलती है विपक्ष बोलती नहीं है, महंगाई पर नहीं बोलती, बेरोजगारी पर नहीं बोलती, तो मीडिया घेरती है, वो पक्ष विपक्ष सरकार सवाल करती है। और आज तक मोदी जी एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। इस देश के प्रेस वालों के लिए इससे बड़ा अपमान की बात नहीं है कि मोदी जी इस योग्य भी नहीं उनको समझते हैं कि उनसे बात करें। सर, अभी जिस तरीके से आपने शिल्पकारों की बात की और जिस तरीके से आप समाज के हित की बात करते हैं, हमेशा आपके लिए तंज कसा जाता है, ट्विटर पे आपको लगातार घेरा जाता है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? भक्त हैं, भक्त इतना मीम्स बनाते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं, जवाब नहीं होता। जवाब करें तो जवाब, सवाल हो तो बात, केवल गाली देना, मीम्स बनाना और इतनी गंदी गंदी बातें करते हैं। दूसरा होता कोई भाग जाता है, मैं कमिटमेंट है इसके वजह से मैं भी डटा रहता हूँ। थोड़ा भक्तों से अभिप्राय बता देंगे थोड़ा सा? भक्तों, भक्त भी भुक्तभोगी हैं, लेकिन भक्तों का शरीर अपना है लेकिन दिमाग आरएसएस का है। तो जब दिमाग किसी और का हो तो भक्त समझ नहीं पा रहे हैं कि अपने साथ क्या कर रहे हैं, अपनी ही गर्दन काट रहे हैं, अपना ही सत्यानाश कर रहे हैं। उनको राह पे लाने के लिए क्या कुछ करेंगे सर, क्या उनको राह पे ला जा सकते हैं? भारत के अंदर केवल एक नशा ही नहीं है, दोहरा नशा है। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म एक बहुत बड़ा अफीम है, यहाँ की जनता सो जाती है, यहाँ जाति का भी अफीम है, धर्म का भी अफीम। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ थे उदित जी, उदित राज जी, जो हमेशा समाज और हित की बात करते हैं, हमेशा एक तबके की बात करते हैं। आज उन्होंने बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी जिसमें शिल्पकारों की बात की गई, जिनके लिए कोई बात नहीं करता है उन लोगों की बात की गई, उनके व्यापार की बात की गई, जो पतंग बनाते हैं, जो शिल्पकार हैं, जो मटका बनाते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। इसी तरीके से आप देखते रहिए सहयोगी धर्मेंद्र के साथ, मैं पूजा, दिल्ली।